नमस्ते। तो आप देख रहे हैं कोरोना वायरस किस स्पीड से फैल रहा है, तो आज कोरोना वायरस और कल कोई और, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को ही तैयार करना पड़ेगा, हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना पड़ेगा। ऐसे ही एक न्यूट्रिशियस पौधे के बारे में मैं आपको बताऊंगी, वो है ये जो पौधा है, इसे हम सूडो सीरियल के नाम से, सूडो सीरियल भी हम इसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिच है, और मतलब इसमें जो दालें हैं उससे भी ज़्यादा प्रोटीन्स होता है, विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस इस पौधे में भरपूर मात्रा में होता है। तो चलिए जानते हैं इस पौधे के बारे में। इसके बीज हैं, जहाँ आपने लगाना है वहाँ आप एक लाइन सी बनाइए और उस लाइन में ये बीज डाल दीजिए, और उसके ऊपर हल्की सी बस मिट्टी डाल दीजिए और ये अपने आप उग जाता है। ये जो पौधा है एमरेंथ का, एमरेंथस कॉर्डेटस या एमरेंथस कॉर्डेटस विरिडिस, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप लगाते हैं जब आप मक्की की बिजाई करते हैं, उसी के साथ आप इसका पौधा भी लगाते हैं। इसका पौधा लगाने के लिए आपको इसके बीज चाहिए होते हैं, आप बीज को बोते हैं और बस, ना आपको इसमें कोई फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, ना आपको कोई स्प्रे करना होता है, बस इसे ऑर्गेनिकली ग्रो करने दीजिए, क्योंकि ये ड्रॉट रेजिस्टेंट और ये एक हार्डी पौधा है। जो हरे हरे से लटके हुए दिख रहे हैं आपको, यही इस पौधे के फूल हैं, और जब ये मैच्योर होती है इसकी ओवरी, तो ये कैप्सूल सी बनाती है जिसके अंदर सीड होते हैं, जो इस पौधे का मेन इकोनॉमिकल पार्ट है, जिसे हम खाते हैं, खाने में यूज़ करते हैं। इसे ये बाज़ार में रामदाना के नाम से मिलता है। आपको, आप रामदाना मांगते हैं तो आपको लगभग 5 किलो अगर आप लें तो वो लगभग 900 रुपये तक का आता है। तो क्यों ना आप अपना ही पौधा लगाएं और अपना ही ऑर्गेनिकली उगाया हुआ पौधे से हार्वेस्ट करें। तो ये जो है, इसे पूरा पकने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं, और आपको पता कैसे चलेगा कि ये तैयार है सीड हार्वेस्ट करने के लिए, जब ये क्रीमिश जैसे कलर के हो जाएंगे और इससे जो है आपको दिखेंगे सीड्स अपने आप ही नीचे झड़ने लग गए हैं, तो आप यहाँ से कट कर देते हैं इस पौधे को, आप ये कट कर देंगे यहाँ से, और फिर क्या करते हैं, आप इसे झाड़ते हैं और अपने आप सीड्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं। ये देखेंगे आप, ये पिछले सीजन के हार्वेस्ट किए हुए रामदाना के सीड्स हैं, ये देखिए। और ये देखिए, ये इसकी आउटर कवरिंग होती है, तो अगर आप इसे फूंक मारें, एकदम जैसे ही डालते ना तभी चटपटाने लगना चाहिए, जो हमारा पहला है जो नहीं वो ठीक निकले, दूसरा उसमें पता लग जाता है, पूरा गर्म है ना, हम लग जाएगा ये, जब देखा नहीं लगा तो इसको ढक दीजिए, है थोड़ा सेम करके मीडियम आँच पे, सेम कर दो, और फिर इसको किसी इसके सीड्स को चटकाने के बाद बस टाइम है इसको खाने का। आप इसे दूध में उबालिए थोड़ी देर, बस 5 मिनट, और इसमें ड्राई फ्रूट्स डालिए, और अपने बच्चों को आप खुद फास्ट में खा सकते हैं। ये फास्ट में बहुत खाते हैं क्योंकि इसे अन्न नहीं माना जाता।